दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना उपचार इंतजामों के साथ ही नई मुंबई महानगर पालिका कोरोना वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। आज तक नई मुंबई में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा जारी डेटा रिपोर्ट के अनुसार 14 अप्रैल तक 1,58,270 नागरिकों को कोविड का पहला टीका लग चुका है, जबकि 24,475 नागरिकों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इनमें से 25,633 फ्रंटलाइन वर्कर यानी आरोग्य कर्मी डॉक्टर हैं, जबकि 19,331 पुलिसकर्मी स्वच्छता और कोरोना योद्धा शामिल हैं। 45 से 60 साल के 50,557 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। नई मुंबई में 28 हॉस्पिटलों और नागरी आरोग्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। वहीं 21 प्राइवेट अस्पतालों में 49 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मनपा के अनुसार नई मुंबई में प्रतिदिन 7,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। नई मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वैक्सीन के लिए 250 रुपए की दर तय की है। राज्य में जल्द टीकाकरण के उद्देश्य से नई मुंबई के 21 प्राइवेट अस्पतालों में कुल 49 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति 250 रुपए चुकाकर कोरोना की वैक्सीन की डोज ले सकता है। याद रखना जरूरी है कि महानगर पालिका के सभी 23 आरोग्य केंद्रों में मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टीका लगवा सकते हैं। आज 99 साल की लक्ष्मी अय्यर ने वासी सेक्टर 5 के जंबो कोविड केयर सेंटर में टीका लगवाया और नागरिकों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। पनवेल के बीजेपी विधायक और रायगढ़ उत्तर के जिलाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे से मुलाकात कर कामोठे के MGM हॉस्पिटल में पनवेलकरों के लिए 200 बेड कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इसके साथ ही मरीजों के उपचार का सारा खर्च भी राज्य सरकार को वहन करने की मांग की है। मुंबई में हुई इस बैठक में विधायक प्रशांत ठाकुर ने नई मुंबई से सटे पनवेल में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बिगड़ते हालात की भी जानकारी दी और जरूरी उपाय करने की अपील की। बता दें कि 3 दिनों पहले नई मुंबई मनपा ने पनवेल मनपा क्षेत्र में स्थित कामोठे के MGM हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड रिजर्व कराए हैं। एंटीलिया विस्फोटक मामला और मनसुख हिरेन हत्याकांड के बाद गिरफ्तार सचिन वाजे प्रकरण में मंत्री पद गंवा चुके अनिल देशमुख ने जांच एजेंसी NIA को दिए अपने जवाब में राज्य के मंत्री अनिल परब का नाम लिया है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि अगला नंबर अब महाअघाड़ी के मंत्री अनिल परब का है। नारायण राणे ने तंज कसा कि अनिल परब एक सेवाभावी मंत्री हैं, वे कमीशन नहीं लेते बल्कि जो जमा करते हैं वे पूरा का पूरा जमा कर देते हैं, यही उनका काम है। परब ने सेवा और मेवा कैसे जमा किया और उसे कहां पहुंचाया, इसलिए उनकी सघन जांच होनी चाहिए। राणे ने कहा कि NIA 15 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देने वाली है, जिसके बाद कई नामों का खुलासा होने वाला है। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीज बाहर घूमते पाए गए तो उन्हें सीधे प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, जहां इलाज का पूरा खर्च भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ेगा। आरोग्य मंत्री ने यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि मुंबई नई मुंबई समेत कई शहरों में ऐसे मरीज बाहर घूमते मिले हैं जिन्हें डॉक्टरों ने होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी थी। मंत्री की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर लाखों रुपए बिल ले रहे हैं। आरोग्य मंत्री को भरोसा है कि लाखों रुपए के खर्च के भय से आइसोलेटेड मरीज बाहर नहीं निकलेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से अधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार टेंशन में है। मुंबई के उपनगरों में लॉकडाउन के कारण छोटे कारोबार बंद हैं, ऐसे में उन पर आश्रित लोगों की रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। नई मुंबई के औद्योगिक और कारोबारी प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या घटा दी गई है, जिससे लोग बेकार होने लगे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य में प्रतिबंधक लॉकडाउन लगा दिया है। अति आवश्यक सेवाओं को परमिशन है जबकि बाकी सेवाओं पर पाबंदी है। ऐसे में सामान्य कामकाज और दुकानें बंद हैं, जहां बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। दिल्ली सरकार ने मोदी सरकार को खत लिखकर पत्रकारों को वैक्सीनेशन में शामिल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन किया जाए। केजरीवाल ने कहा, क्योंकि पत्रकारों को क्षेत्र में उतरकर काम करना होता है,
वो अस्पतालों में रिपोर्टिंग करते हैं, मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से मिलते रहते हैं, इसलिए पत्रकारों के लिए भी फ्रंट लाइन के अन्य वर्कर की तरह संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। यूपी में अब रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। रविवार को प्रदेश के प्रमुख ठिकानों पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त लहजे में चेताया है कि जो लोग बिना मास्क पाए जाएंगे उन्हें पहली बार में 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार निर्देशों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। महाराष्ट्र सरकार कोरोना उपचार इंतजामों पर कम पड़ रही है। इसे देखते हुए अब गैर सरकारी संस्था और राजनीतिक दल भी कोविड केयर सेंटर स्थापित करने में मदद करने लगे हैं। आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नगर सेवक बसंत मोरे ने पुणे के कात्रज में 40 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित कराया है। साईस ने हॉस्पिटल में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी 100 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार कराया है, जहां इलाज की सुविधा प्रारंभ हो गई है। जाहिर है ऐसी मानव सेवी पहल सराहनीय और राज्य सरकार की टेंशन कम करने वाली है। उत्तराखंड के कुंभ मेले में शामिल हुए 20 से अधिक साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही 100 से अधिक श्रद्धालु भी कोविड संक्रमण के शिकार बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शाही स्नान के दिन हर की पौड़ी पर लाखों लोग जमा हुए थे। यहां कोरोना सुरक्षा नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया था। तमाम साधु संतों ने मास्क पहनने और कोरोना सुरक्षा निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया था। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। शनिवार को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको अखाड़े में ही आइसोलेट कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश कोरोना के संकट में है, लेकिन पीएम मोदी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। राहुल ने कहा कि पीएम जिम्मेदारियां भूल गए हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने की बजाय मन की बात में जुटे हैं। कोविड से शमशान में शव जलाने के लिए कतारें लगी हुई हैं और नरेंद्र मोदी इन जलती चिताओं की बजाय चुनाव जीतने की चिंताओं में डूबे हुए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।